नहीं नहीं स्वामी, ये डील बाद में नहीं हो सकती। मैं दो दिन और कारवार में रह लूंगा, लेकिन हम ये ऑर्डर लेकर रहेंगे। तुम मेरे लिए होटल बुक करो, मैं पहुंच रहा हूं, मिलते हैं। मैं जल्दी में हूं, बहुत जल्दी में। मुझे लगता है मैं जितना कमाता हूं वो कम है, क्योंकि मेरी फैमिली की कोई जरूरत कभी अधूरी नहीं रहनी चाहिए। कितना लेट हो गए। तुम लोग मेरा इस तरह से वेट मत किया करो। पूरे 8 दिन बाद सब साथ में मिलके खाना खा रहे हैं। पापा मेरे रंग देखने नहीं आए ना? और पापा आपने मेरा फुटबॉल मैच भी नहीं देखा। बेटा वो काम से बाहर गया हुआ था ना, इसलिए। आप काम पर कब नहीं होते हैं? बोलो प्रणीता, क्या जरूरी बात करनी थी तुम्हें? बच्चों को आपकी जरूरत है महेंद्र जी। तो उनकी जरूरत को पूरा करने के लिए तो इतना हाथ पैर मार रहा हूँ। पूरे 90 लाख का ऑर्डर लाया हूँ कारोबार से। महेंद्र जी, कुछ जरूरतें ऐसी भी होती है जो 90 करोड़ रुपए भी पूरे नहीं कर सकती। जैसे कि? जैसे कि समय की जरूरत, प्यार की जरूरत। जब बच्चे बड़े हो जाएंगे ना प्रणीता, तो देखना बहुत प्यार से याद करेंगे मुझे। इतना बना जाऊंगा उनके लिए। और मैं क्या याद करूंगी? हाँ स्वामी बोलो। हाँ हाँ बात कर सकते। अरे वाह, बेंगलुरु का ऑर्डर मिल गया। तो उनसे कहो पहली फ्लाइट से मैं सुबह पहुंच रहा हूँ। मेरा सब्र अब खत्म होता जा रहा है। ये अकेलापन मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। शादी का ये मतलब तो नहीं कि दोस्ती, रोमांस, प्यार सब भुला दिया जाए। मेरी कुछ जरूरतें हैं, क्या मुझे उन्हें पूरा करने के लिए भीख मांगनी पड़ेगी? इस जरूरत को भारी हीरे जवाहरात के नीचे नहीं दबा सकती हूं, और ना ही इसे अपनी ममता में घोलकर मिटा सकती हूं, और ना ही टीवी सीरियल देखकर भुला सकती हूं। नीलेश बेटा नाश्ता। क्या बात है अप्पा? बेटा तू सीएस बन जाएगा, उसके बाद बढ़िया कमाई होगी, फिर तो जो चाहे वो खरीद लेगा। अप्पा बात क्या है, और वो बॉक्स में क्या छुपा रहे हो आप? ये लो बेटा। अप्पा इसकी क्या जरूरत थी? अरे बेटा तू कितनी मेहनत करता है, दिन रात पढ़ाई, कोई फिजूल खर्च नहीं, और हर एग्जाम में अव्वल आता है। मैं हूँ कि तेरी कोई जरूरत पूरी नहीं कर पाया। अप्पा लेकिन इसकी वाकई में कोई जरूरत नहीं है। पर तुझे खुशी देना हमारी जरूरत है ना बेटा? अप्पा और अम्मा को मुझसे बहुत एक्सपेक्टेशंस हैं, जो मैं पूरा करके रहूंगा। मैं पूरे फोकस से पढ़ रहा हूँ, लेकिन मन भटकता है कभी। एक जरूरत सी महसूस होती कि कोई हो। हर इंसान अपनी जरूरत पूरी करने के लिए उसे एक सीढ़ी की तलाश में रहता है। हमारी आज की कहानी में एक उभरता बिजनेसमैन महेंद्र रेड्डी तरक्की की सीढ़ी पर चढ़ता जा रहा था। वो दौलत के आसमान को अपनी मुट्ठी में करने की फिराक में था, पर उसकी तनहा नेग्लेक्टेड पत्नी प्रणीता अपनी जरूरतों को तृप्त करने की वो सीढ़ी ढूंढ रही थी जो उसे पड़ोस के युवक
नीलेश में दिखी। दूसरी तरफ नीलेश पढ़ाई और एक्सपेक्टेशन के तनाव से राहत पाने के लिए एक थरथराते एडवेंचर की सीढ़ी पर सवार हो गया। महेंद्र जी और 3 दिन आउट ऑफ स्टेशन रहने वाले हैं। मैंने बेडरूम का दरवाजा बंद कर दिया है और तुम अब तक मुझ पर टूट नहीं पड़े। मतलब कुछ तो बात सीरियस है। प्रणीता, मैं सीएस के एग्जाम में फेल हो गया हूं। ओह, आई एम सो सॉरी नीलेश। देखो कोई बात नहीं, अगली बार तुम जरूर टॉप करोगे, देखना। मैं इस बार भी टॉप कर सकता था। अच्छा, तो तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि सीएस के एग्जाम्स में तुम फेल मेरी वजह से हुए। देखो, मुझे ये सब बंद करना है। कोई दरवाजा या लीक होता हुआ पानी का नल नहीं है जो बंद करना है। खूबसूरत रिश्ते ऐसे खत्म नहीं होते नीलेश। हाँ, तो मुझे ये रिश्ता ही तोड़ना है, निकलना है इस रिश्ते से। नीलेश, इस रिश्ते की सीढ़ी मैंने रखी थी हम दोनों के बीच, और तुम खुद वो सीढ़ी चढ़कर इस रिश्ते में दाखिल हुए थे। ये रिश्ता हम दोनों की रजामंदी से जुड़ा है और हम दोनों की रजामंदी से ही टूट सकता है, अगर कभी टूटना हुआ तो। लेकिन अब मेरा दिल नहीं करता। क्यों, दिल भर गया? अब मैं और सेक्सी नहीं लगती? कोई और है ना, कॉलेज स्टूडेंट, क्या नाम है उसका? अरे कोई नहीं है, और मुझे अभी कोई नया रिश्ता बनाना भी नहीं है। देखो, मुझे इस समय सिर्फ और सिर्फ अपने करियर पे कंसंट्रेट करना है। मैं जा रहा हूँ। नीलेश, प्लीज प्लीज बीच, मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती। हमारा रिश्ता सिर्फ जिस्मानी नहीं है, तुम्हारे आने से पहले मैं बहुत अकेली थी, मुझे जिंदा किया है। तुम्हारे आने के बाद मैं अपनी दिल की बातें तुमसे कह सकती हूँ, तुम्हारी बातें सुन सकती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं दिन भर तुम्हारे बारे में सोचती हूँ और वेट करती रहती हूँ कि हम कब मिलेंगे। मुझे ऐसे नहीं छोड़ के जा सकते। I love you so much. I love you. I love you. ये है मेरा वाला नीलेश। महेंद्र, लेकिन वो तो 3 दिन बाद। अरे कुछ कैंसिल हुआ होगा, इसीलिए उन्होंने फोन नहीं किया मुझे। देखो, मैं एक काम करता हूँ, मैं सीढ़ियों से निकलता हूँ और तुम बाद में दरवाजा खोलना, ठीक है? अरे उनके पास घर की चाबी है, वो अंदर आ गए तुम दोनों फंस जाएंगे। सुनो, तुम एक काम करो, तुम यही कहीं पे छुप जाओ, ठीक है? मैं उनको बातों में लगा के रखती हूँ, जैसे ही मौका मिलेगा तुम जैसे आए थे वैसे ही निकल जाना। अभी तुम यहीं पे रुको, प्लीज प्लीज। अरे विनय। नमस्ते प्रणीता आंटी। कैसा रहा सरप्राइज? आओ बेटा। तीन दिन का काम एक दिन में निपट गया तो शिमोगा चला गया अविनाश अन्ना के घर, वहां से विनय को ले आया। अभी हमारे साथ ही रहेगा तो कोर्स वोर्स करेगा और काम में हाथ बटाएगा।
वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। वो अम्मा ने ना कुछ मिठाइयाँ भेजी थी प्रभात और दिव्या के लिए, मैं जाकर उन्हें सरप्राइज करूँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल जा। विनय रुको, वो प्रभात और दिव्या ना अभी अभी सोए हैं बस। तो कोई बात नहीं, जगा देगा, वैसे भी कल छुट्टी है। जा। रणीता आंटी, वो दरवाजे में तो बाहर से कुंडी लगी हुई है। कुंडी लगी हुई? अरे हाँ मैं भूल गई, वो दरअसल दोनों ना बहुत बदमाशी कर रहे थे तो दोनों को डांट के अंदर ही बंद कर दिया। विनय बेटा कोई बात नहीं, आप दरवाजा खोलकर अंदर जा सकते हो। सब ठीक है ना प्रणीता? हाँ हाँ सब ठीक है, मैं चेंज करके आती हूँ फिर खाना लगाती हूँ। वही मैं जानना चाह रहा था, इतनी सजी धजी हो, कहीं बाहर गई थी? नहीं, वैसे आप ये सब कब से देखने लग गए कि मैं सजती धजती भी हूं? फंस गया मैं। करीब पाव किलो अदरक दे देना और 10 रुपए की मिर्ची डाल देना भैया। सेटल हो गए आप लोग? हाँ बस हो ही रहे हैं। नमस्ते, मैं प्रणीता। नमस्ते। ये प्रभात और ये दिव्या। बेटा नमस्ते करो। नमस्ते। नमस्ते, मैं शिल्पा और ये मेरा बेटा नीलेश। हेलो। हेलो, आपके मिस्टर नहीं दिखते। दरअसल उनका मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है, प्लास्टिक का सामान बनाते हैं वो, तो उनका ज्यादातर बिजनेस ट्रिप्स पर बाहर ही रहना होता है। अच्छा अच्छा, तो आप बच्चों को लेकर घर आइए ना कभी। जी कई बार सोचा तो है कि बच्चों को लेकर सबसे मिला दूं, लेकिन ये होते नहीं है ना, तो थोड़ा सा अजीब लगता है। अरे इसमें अजीब कैसा? अच्छा कल नीलेश का जन्मदिन है, मैंने बाकी पड़ोसियों को भी घर बुलाया है, आपको भी सोच रही थी बुलाने की, अब आप यहाँ मिल गए तो इसे ही इनविटेशन समझो। प्लीज कल आना बच्चों को लेकर। केक होगा? आयु प्रभात ऐसे थोड़ी बात करते किसी से। जी केक नहीं होगा तो फिर कैसा जन्मदिन? आपको कौन सा फ्लेवर पसंद है? चॉकलेट। और आपको? पाइनएप्पल। ठीक है, हम दोनों फ्लेवर्स मंगा के रखें। अच्छा सुनिए, वो पड़ोस में राव फैमिली है ना, उन्होंने आज इनवाइट किया है, उनके बेटे का बर्थडे है। हाँ तो जाओ ना और कोई अच्छा सा गिफ्ट ले लेना, और लोग अच्छे लगे तो फिर दोस्ती भी कर लेना। क्यों, आपको उनसे दोस्ती नहीं करनी? आपको भी इनवाइट किया है। चलिए ना, सारे पड़ोसी आ रहे हैं, सबसे एक बार में मुलाकात भी हो जाएगी। अरे भाई तुम जाओ मैं जाऊं, बात तो एक ही है ना, मेरी 2-3 पार्टियों से मीटिंग है, फिर भी ट्राई करता हूं। मतलब आप नहीं आ रहे हो ना? अरे बाबा बोला ना, कोशिश करता हूं। जब भी आप कोशिश करते हो ना, आपके पहुंचने का इरादा ही नहीं होता। आज भी हमेशा की तरह मैं वहां पर अकेली पड़ जाऊंगी, मुझे पक्का पता है। नमस्ते। 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 मिस्टर नहीं आए? जी वो नहीं आ पाए। अच्छा कोई नहीं, आइए आओ बेटा। ये मेरे मिस्टर वेंकट। नमस्ते। ये रोहित प्रभु और उनकी वाइफ मालती। नमस्ते। ये अतुल बेल्लार और उनकी वाइफ वर्षा। नमस्ते। कोई बच्चे नहीं है? अरे ये सब बच्चे ही तो हैं, यहाँ पे सिर्फ हम तीनों बड़े हैं और ये सब बच्चे हैं, तो ये बच्चों वाले गेम खेलेंगे और हम ऊपर जाके बड़ों वाले गेम खेलेंगे। चलो आजा जल्दी जल्दी। वेरी गुड नीलेश अन्ना। अरे वाह क्वीन ले ली, क्या बात। अच्छा प्रभात दिव्या चलो नीचे, केक आ गया। और बर्थडे बॉय आप चलिए केक काटने। बर्थडे
बर्थडे बॉय के लिए एक छोटा सा गिफ्ट लाया। अरे प्रणीता जी आप शर्मिंदा कर रही। तुम्हें अच्छा लगेगा, चॉकलेट है। ओह मैं जाके दिव्या और प्रभात के साथ शेयर करता हूँ। अरे नहीं नहीं, डार्क चॉकलेट है बड़ों के लिए, तुम बड़े हो ना। हैप्पी बर्थडे। अरे नीलेश नीचे आ जाओ। अम्मा ने भेजा। आओ अंदर आओ। महेंद्र जी का है? वही है जहां उन्हें इस वक्त होना चाहिए, ऑफिस में। और दिव्या और प्रभात? वो दोनों भी वही हैं जहां पे बच्चों को इस वक्त होना चाहिए, स्कूल में। अरे हाँ। बर्थडे के गिफ्ट के लिए थैंक्स। अरे वो तो बच्चों वाला गिफ्ट था, तुम्हारा गिफ्ट तो अंदर रखा हुआ है। चलो चलो चलो। अब गिफ्ट कहाँ है मेरा? पहले आंखें बंद करो। प्रणीता जी। सिर्फ प्रणीता कहो। मेरी गिफ्ट का रिटर्न गिफ्ट नहीं मिलेगा मुझे। मुझे आंखें बंद करने को नहीं कहोगे? लो खुद ही बंद कर देती हूँ। प्रणीता और निलेश के बीच में एक जबरदस्त अफेयर शुरू हुआ जिसकी नींव थी जिस्मानी जरूरत। पर कोई भी अफेयर सिर्फ जिस्मानी जरूरत तक तो सीमित रहता नहीं। मुझे ऐसे नहीं छोड़ के जा सकते। I love you। कहाँ फंस गया मैं? और ना ही कोई खुफिया रिश्ता कभी गुप्त रह पाता है। अफेयर के तनाव से उठता धुआं दुनिया को हल्की सी बू तो देता ही है। अपसेट क्यों? क्यों? अपसेट होने जैसा कुछ हुआ है क्या? प्रणीता वो मैं बहने को अपने साथ ले आया, तुम्हें बताया नहीं, तुमसे पूछा नहीं। मैंने उसे कह दिया था ना, तो फिर अन्ना के सामने पूछना ठीक नहीं लगता है। मैं विनय के यहाँ रहने से बिल्कुल अपसेट नहीं। हाँ कभी आपके ना रहने की वजह से अपसेट हुआ करती थी, अब नहीं। क्यों? अब ऐसा क्या हो गया? पता नहीं। तुझे नहीं पता? नीलेश तो सीएस में फेल हो गया, तुझे पता नहीं क्यों? बोला ना पापा मुझे नहीं पता। मुझे पता है, मुझे पता है ये क्यों फेल हुआ है। क्यों? वही जिसके कारण हर कोई फेल होता है, और वो ये कि तूने पढ़ाई नहीं की है ठीक से। तुमको कैसे मालूम अम्मा? अम्मा हूं तुम्हारी, तुम्हारा चेहरा देखकर पता चलता है मुझे। पहले रात रात भर जगता था पर चेहरे पर एक तेज था, पिछले 6 महीने से वो तेज गायब है। बेटा पूरा पहाड़ चढ़ चुका है, शिखर से बस इतनी सी दूरी है। अब बेटा आखिरी पड़ाव पर तो ज्यादा फोकस होना चाहिए। अब देख बेटा, हम जैसे मिडिल क्लास लोगों को पहला चांस ही बड़ी मुश्किल से मिलता है, दूसरा तो खैर अब मैं तुझे क्या लेक्चर दूं। माँ बाप पैदाइशी बूढ़े नहीं होते नीलेश, हम भी रह चुके हैं तेरी उम्र में। अगर हम तेरी कोई मदद कर सकते हैं तो हमें बता। ऐसे अंदर ही अंदर घुटने से कोई मसला हल नहीं होता। प्रणीता मैं सोच रहा था इस बार जब बेंगलुरु से लौटूं तो हम चारों कहीं छुट्टी पे चलते हैं। मैं सारी बुकिंग वहां से करा दूंगा, थोड़ा चेंज हो जाएगा। नहीं पर क्यों चेंज? क्यों? क्योंकि तुम चेंज हो गई हो प्रणीता।
लेकिन मैं तो आपको इतने सालों से देख रही हूँ, आप तो बिल्कुल चेंज नहीं हुए। खैर, इस वक्त आपको एयरपोर्ट पर होना चाहिए। अच्छा बच्चों बताओ, तुम लोगों के लिए बेंगलुरु से क्या लेकर आऊं? जाओ, शांति से बात करते हैं। मैंने कहा ना मुझे नहीं आना। ठीक है, तुम्हें नहीं आना ना, मत आओ। मैं एक काम करती हूँ, मैं वहां जाती हूँ और तुम्हारे अम्मा अप्पा से सब कुछ सच सच बता देती हूँ। निलेश, मैं मजाक नहीं कर रही, और मैं ऐसा अभी करूंगी। नहीं नहीं नहीं, तुम ऐसा मत करो, मैं आता हूँ, लेकिन थोड़ा लेट। कितना लेट? 2 या 3 बजे। 2 बजे आने से पहले फोन करना। अगर 2 बजे तुम यहाँ नहीं पहुंचे ना, तो 2:05 को मैं वहां पहुंच जाऊंगी तुम्हारे घर। आ रहे हो? मैं जानती थी तुम आओगे, धमकी की वजह से नहीं, प्यार की वजह से। हाँ, वो प्यार जो हम दोनों ने किया था, जिससे मैं भाग नहीं सकता। ये क्या? गिफ्ट। रियली? मैं बच्चों और विनय का कमरा बंद करके आती हूँ। सुनो, पहले गिफ्ट ले लो। तो आंखें बंद नहीं करोगी? ये लो। सीढ़ी चढ़कर मैं खुद तुम्हारे पास आता। तो सोचो कि गिफ्ट क्या होगा। नेकलेस? नहीं। एक सीढ़ी जो तुम्हें ऐसी जगह लेकर जाएगी आंटी। प्रभात, दिव्या, ನೀವು ಡಯಲ್ ಮಾಡಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆ ಸ್ವಿಚ್ಡ್ ಆಫ್ ಆಗಿದೆ। ಪ್ರನೀತಾ ಆಂಟಿ, ಪ್ರಭಾತ್, ದಿವ್ಯಾ, विनय। अंकल कुछ गड़बड़ है। क्या हुआ विनय? प्रणीता आंटी, प्रभात, दिव्या, प्रभात, दिव्या, प्रभात, दिव्या, प्रभात।
दिव्या प्रभात पर नहीं है का क्या मतलब? मैंने उन्हें बाहर भी ढूंढा और घर के अंदर भी, लेकिन सब वो लोग नहीं मिले। रात को भी तुमने कोई आवाज नहीं सुनी? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। बेल बजी थी, कोई आया था? नहीं सर, मैं तो एक बजे तक जाग रहा था, कोई बेल नहीं बजी, उसके बाद भी नहीं बजी थी। सर अगर बेल बजती तो मैं उठ जाता। घर में फोर्स एंट्री का कोई भी निशान नहीं है। विक्टिम के रूम में किसी भी चीज को छुआ तक नहीं गया। कैश गहने जैसे थे वैसे ही, सिर्फ विक्टिम का मोबाइल फोन गायब। तुम्हारी आंटी प्रणीता के पास मोबाइल था? यस सर। और तुम्हारे चाचा महेंद्र वो करते क्या है? सब बिजनेस है। नंबर बोलो उनका। सर एक मिनट, मैंने उन्हें फोन करके इन्फॉर्म कर दिया है, वो बस आते ही होंगे। इंस्पेक्टर साहब, मेरे बच्चों का कुछ पता चला? जी अभी तक नहीं, पर हम लोग ढूंढ निकालेंगे। मेरी वाइफ अंदर है? बॉडी अभी पोस्टमार्टम के लिए भेज दी। किसने किया सर? ये तो आप ही बता सकते हैं। आपको किसी पर शक है? कोई दुश्मन, धमकी, बिजनेस में या पर्सनल लाइफ में? जी नहीं सर, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कोई मेरी प्रणीता को क्यों मारेगा। मेरे बच्चे सर, प्लीज मेरे बच्चों को ढूंढिए। कल को आप में से किसी ने कुछ देखा या सुना हो? नहीं सर, मैं ऊपर के ही कमरे में सोता, अगर कुछ आवाज होती तो मुझे मालूम पड़ता। ये रेड्डी फैमिली कैसे लोग हैं? नए नए रहने आए हैं, साल भी नहीं हुआ। सुना है काफी पैसे वाला आदमी ये रेड्डी। प्रणीता बहुत अच्छी औरत थी, बच्चे भी बहुत प्यारे हैं, प्रभात और दिव्या। वो तो ठीक है ना? गायब है। इस महेंद्र की किसी के साथ कोई दुश्मनी है क्या? वो तो नहीं मालूम सर, लेकिन पैसे वाली पार्टी है, हो सकता है किसी ने पैसों के लिए किडनैप किया। वो जो सीढ़ी है? हाँ सर, उनकी है। क्या वो काफी लंबी है, वहां से यहां तक आ सकती है? कभी ध्यान नहीं दिया सर। विक्टिम बच्चे का? पता नहीं अंकल, पता नहीं मतलब। रात में इतना कुछ हो गया, तुमने बेटा कुछ भी नहीं सुना? इस विनय ने रात को कुछ सुना नहीं और इसकी जान भी बख्श दी गई। कहने को 17-18 साल का है, लेकिन होने को तो कुछ भी हो सकता है। एक काम करो, उसका एज प्रूफ ले लो, अगर 18 साल का तो गाड़ी में बिठा, आगे की पूछताछ पुलिस स्टेशन में करते। 444-88-3622। तुम्हारा और कोई नंबर है? नहीं सर। तुम महेंद्र रेड्डी के सगे बड़े भाई के लड़के हो? जी सर। करते क्या हो? मणिपाल में पॉलीमर्स का डिप्लोमा कर रहा हूँ और साथ में अंकल की बिजनेस में हेल्प भी। विनय एक बात समझ में नहीं आई, तुम घर पर थे, कोई तुम्हारे घर में आया, जबरदस्ती नहीं घुसा था, एक मर्डर किया, दो बच्चों को गायब किया और तुमने कुछ भी नहीं सुना? सर सच में नहीं सुना मैंने। वो तो मैं सुबह उठा तो पता चला कि मेरे दरवाजे की कुंडी बाहर से बंद थी। ये तो तुम कह रहे हो कि बाहर से कुंडी बंद थी। सर, वो तो मैंने तोड़ी थी। तो तोड़ने का नाटक भी तो किया जा सकता है। सर सर आप मुझे बताएंगे विनय को आप वहां पर क्यों देख रहे हैं? उसने क्या किया है? महेंद्र जी हमसे पूछताछ कर रहे हैं, आप विनय की फिक्र मत कीजिए, इस वक्त आपके बच्चों का मिलना ज्यादा जरूरी है। बार बार घर के अंदर तलाशी लेने से मेरे बच्चे कैसे मिलेंगे इंस्पेक्टर साहब? ये बॉक्स बेड है? हाँ?
पेमेंट, महेंद्र से कंफर्म करो कि वो फोन प्रणीता का है या नहीं। रात को 2 बजे किसी क्यूटी का कॉल आया था प्रणीता के नंबर पर, और उससे पहले रात को 11:10 पे प्रणीता ने कॉल किया था इसी क्यूटी को। क्यूटी? जी सर, क्यूटी। ठीक है, उस नंबर के डिटेल्स और कॉल रिकॉर्ड मंगा लो तुरंत। पैसे लगेंगे इंस्पेक्टर साहब। महेंद्र जी, आपको लगता है कि हर चीज की कीमत लगाई जा सकती है? जिसके लिए मैं पैसे कमा रहा था उन्हें छीन लिया गया है मुझसे। अब ये पैसे मेरे लिए कोई मायने नहीं रखते हैं। मैं कुछ भी देने को तैयार हूँ, कुछ भी करने को तैयार हूँ, बस कैसे भी करके उसे आप पकड़िए और सजा दीजिए। पहले आप ये पैसे रख लीजिए। रही बात कातिल की, तो उसे तो हम पकड़ के ही रहेंगे। इसी क्यूटी कौन है? कौन? क्यूटी सर, मैं किसी क्यूटी को नहीं जानता। कल रात 11:10 पर आपकी बीवी ने क्यूटी को फोन किया, और रात 2 बजे इस क्यूटी ने आपकी बीवी को फोन किया, और फिर रात 2:30 और 3 के बीच आपके बीवी का मर्डर हो जाता है। सर, मैं किसी क्यूटी को नहीं जानता। एक नंबर डायल कीजिए, शायद आपके पहचान वाला हो। 444-23-8698। ನೀವು ಡಯಲ್ ಮಾಡಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆ ಸ್ವಿಚ್ಡ್ ಆಫ್ ಆಗಿದೆ। ಸ್ವಿಚ್ಡ್ ಆಫ್ ಆ ರಹಾ ಹೈ ಸರ್, ಸುಬಹ ಸೆ ಸ್ವಿಚ್ಡ್ ಆಫ್ ಹೈ, ಲೇಕಿನ್ ಕಾಲ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಮಂಗಾಯೆ ಹಮ್ನೆ। ಆಪ್ ಸಿರ್ಫ್ ಏಕ್ ಬಾತ್ ಸಮಜ್ ಲೀಜಿಯೆ, ಕಾತಿಲ್ ಆಪ್ಕೆ ಘರ್ ಮೇ ಜಬರ್ದಸ್ತಿ ನಹೀ ಘುಸಾ ಥಾ। ಇಸ್ಕಾ ಮತ್ಲಬ್ ಸಮಜ್ತೆ ಹೈ, ಕಿಸೀ ನೇ ದರವಾಜಾ ಖೋಲ್ ಕರ್ ಉಸೆ ಅಂದರ್ ಲಿಯಾ ಥಾ। ವಿನಯ್ ಹೋ ಸಕ್ತಾ ಹೈ? ನಹೀ ಸರ್, ವಿನಯ್ ವೋ ತೋ ಬಚ್ಚಾ ಹೈ, 18 ಸಾಲ್ ಕಾ ಹೈ, ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಹೈ, ವೋಟ್ ಕರ್ ಸಕ್ತಾ ಹೈ। कैसा बच्चा महेंद्र जी? नहीं सर, विनय नहीं। तो फिर कौन? कॉल रिकॉर्ड, महेंद्र विनय के कॉल रिकॉर्ड में कोई खोट नहीं है। और प्रणीता? तो प्रणीता जिस क्यूटी से रात को 11:10 पे और रात को 2 बजे बात कर रही थी, वो इस नंबर से पिछले 1 साल से लगातार बात करते आ रही है। इन दोनों के बीच में SMS एक्सचेंज हुए अक्सर रात रात भर। अफेयर? क्यूटी का नाम? मेरा कोई अफेयर नहीं था उसके साथ। प्रणीता के मर्डर से मेरा कोई लेना देना नहीं है। प्रणीता के साथ तूने उसके दोनों बच्चों को भी मार डाला। क्यों? मैं कह रहा हूं ना, मैंने किसी को नहीं मारा। रेमंड, तलाशी। बेटा ये सब क्या हो रहा है? जो भी है सच बोल दे बेटा। नीलेश, तुझे मेरी कसम है, देख जो भी है ना तू बता दे। मैंने इसको कहा था सर कि ये कुछ भी अपने मन में ना रखे, हम तेरी मदद कर सकते हैं। नीलेश, तू बोल ना, क्या है तेरे मन में? मुझे ब्लैकमेल कर रही थी, मुझे अफेयर कंटिन्यू नहीं करना था, मेरी पढ़ाई खराब हो रही थी सर, मुझे उसके साथ रहना भी पसंद नहीं था, लेकिन वो मुझे जाने नहीं दे रही थी। मैं एक काम करती हूँ, मैं वहां जाती हूँ और तुम्हारे अम्मा अप्पा से सब कुछ सच सच बता देती हूँ। समझ नहीं आ रहा था क्या करूं, दिमाग घूम रहा था, डर के मारे हाथ पैर ठंडे पड़ रहे थे। फिर अचानक से एक मायूस ख्याल आया कि प्रणीता मेरा पीछा कभी नहीं छोड़ेगी। फिर एक ही ख्याल रहा, इसको खत्म कर, इसने कभी मेरे अम्मा अप्पा के सामने ये बात कहनी नहीं चाहिए। ये रात के 2:30 और 3 के बीच हुआ होगा जब तुमने प्रणीता का गला काटा। जी। प्रणीता को मारने के बाद
लगभग एक घंटे तक। तुम वहां क्या कर रहे थे? बहुत पछतावा हो रहा था कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। और इसी पछतावे में तुमने उन दो बच्चों को भी मार डाला। क्यों? उन्होंने तो तुम्हें कोई धमकी भी नहीं दी थी। मैं उनको नहीं मारना चाहता था। मम्मी, दरवाजा खोलो ना, पेट दर्द कर रहा। मैं डर गया था सर। मुझे लगा अगर दिव्या ने प्रभात और विनय को जगा दिया तो मैं फंस जाऊंगा। मैं विनय से नहीं निपटना चाहता था, इसलिए मैंने उसके दरवाजे की कुंडी लगा दी। कहा भी था कि विनय और बच्चों का कमरा लॉक करके आते हैं। मैं बच्चों और विनय का कमरा बंद करके आते हैं। लेकिन मैं जल्दी में था, उसे खत्म करने की जल्दी में। अगर बच्चों के कमरे में बाहर से कुंडी लगी होती वो दोनों जिंदा होते। तूने ये क्यों नहीं सोचा? अगर अपनी अम्मा की बात सुनी होती तो आज प्रणीता भी जिंदा होती। माँ ने तुझसे कहा था कि अगर कुछ बात है तो बता, घुट मत। सुननी चाहिए थी, लेकिन अब पछता के क्या फायदा? रत्ती भर भी पछतावा नहीं हुआ है तुझे नीलेश। अगर पछतावा हुआ होता ना तो एक घंटा लाश के पास बैठ के रोने के बाद तू दो मासूम बच्चों को नहीं मारता। अगर पछतावा हुआ होता ना, अपने आप को सरेंडर करता, सजा के लिए तड़पता, ना ही बचाव के लिए। नहीं स्वामी, मुझे टेम्पो आ दीजिए, मैं यहां एक दिन भी और नहीं रुकना चाहता। महेंद्र जी, अकेले में बात हो सकती है? कब से चल रहा था फिर? नीलेश के मुताबिक एक साल से। ये जरूर नीलेश ने स्टार्ट किया होगा। मेरी प्रणीता ऐसा नहीं कर सकती। नीलेश झूठ बोल रहा है। महेंद्र जी, लड़का सच बोल रहा है। दोनों के कॉल रिकॉर्ड से पता चलता कि इन दोनों के बीच रोज बातें होती थी। नीलेश ये रिश्ता तोड़ना चाहता था पर आपकी बीवी ने मना किया। उसे धमकी दी थी कि वो उसे बदनाम करे, इसलिए नीलेश ने आपकी बीवी और दोनों बच्चों को मार डाला। विनय अगर उसे देखता तो शायद वो उसे भी मार डालता। मैं मान ही नहीं सकता इंस्पेक्टर साहब कि मेरी प्रणीता ऐसा करेगी। सब कुछ तो देने की कोशिश की थी मैंने उसे। उन्हें सिर्फ आपका वक्त चाहिए था जो आपके पास था नहीं। उन्होंने नीलेश को बताया था कि आप घर पर भी रहते थे तो फोन पर ही बिजी रहते थे अपने काम को लेकर। आपके पास ना ही आपके बच्चों के लिए वक्त था ना उनके लिए। महेंद्र जी, मैं सिर्फ यही बताने आया था। हम लोग चार्जशीट फाइल कर रहे हैं। तीनों हत्या की जिम्मेदारी नीलेश ने ली है और अपना जुर्म कबूल कर लिया। फिर मैं अपना जुर्म कहाँ जाकर कबूल करूँ सर? अपने परिवार को, अपनी पत्नी को नजरअंदाज करने का जुर्म, उसकी जरूरतों को ना समझने का जुर्म, जाकर कबूलो सर? किससे माफी मांगो? आई एम सॉरी, रियली सॉरी। नीलेश राव को आईपीसी की धारा 302 के तहत हत्या के लिए और धारा 201 के तहत जुर्म छुपाने के चार्जेस पर गिरफ्तार किया गया है। यह जरूरी नहीं है कि इंसान की हर जरूरत पूरी तरह से और ठीक उसी तरह से पूरी हो
जिस तरह से इंसान समझता है। जरूरत थी कि महेंद्र अपनी एम्बिशंस की जरूरतों को थोड़ा काबू में रखता, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करता, ताकि वो अपनी पत्नी की जरूरतों पर ध्यान दे पाता। जरूरी था कि प्रणीता अपने पति महेंद्र से अपनी जरूरतों के बारे में बेहतर तरीके से कम्युनिकेट करती, बजाय इसके कि वो मायूस होकर अंदर ही अंदर घुटती रहती। साथ ही जरूरी था कि नीलेश अपने माता पिता से साफ साफ कम्युनिकेट करता कि वो बुरा फंसा है और उसे मदद की जरूरत है। इन तीनों में से अगर एक भी इंसान अपनी जरूरतों को सही वक्त पर कम्युनिकेट कर पाता तो शायद शायद ये इतना भयंकर ट्रिपल मर्डर कांड टल जाता। जी कोई है घर पे? जी राहुल माथुर का घर यही है। हाँ राहुल मेरा बड़ा बेटा है। इस वक्त कहाँ है वो? वो तो कल रात में सीतापुर के लिए निकल चुका ट्रेन से। सीतापुर उत्तर प्रदेश? हाँ। क्या बात क्या है? आपकी आखिरी बार कब बात हुई थी राहुल से? कल दोपहर में खाना खाकर निकला वो घर से तकरीबन 2 बजे तक। माँ चलता हूँ। माँ देख बेटा, अगर बाबा की तबीयत बहुत ही बिगड़ गई हो तो तू सीधे लौटा, मैं चली जाऊंगी उनके पास। माँ अगर बाबा की तबीयत ज्यादा बिगड़ी होगी ना तो मैं उनको यहीं लेकर आ जाऊंगा, फिर मैं आप और सुनील तीनों मिलकर बाबा का ख्याल रखेंगे। यही आपका बेटा राहुल माथुर? हाँ, लेकिन ये कार्ड आपके पास? आपका दूसरा बेटा सुनील नाम बताया आपने उसका, घर पे है? वो तो ड्यूटी पे है अभी। ठीक है। क्या बात है, बताएंगे भी आप? आप सुनील को फोन कर दीजिए, आप दोनों को तुरंत हॉस्पिटल आना होगा। हॉस्पिटल क्यों? क्या क्या हुआ राहुल को? ठीक तो है ना? अभी भी 2 बंदे लगे हुए हैं, लेकिन ना तो मोबाइल मिलिया ना कुछ। और सर, विक्टिम की मदर और छोटे भाई सुनील ने बॉडी को आइडेंटिफाई कर लिया है। वही है राहुल माथुर जलंधर का? जी हाँ सर, वो कल दोपहर को अपने घर से सीतापुर उत्तर प्रदेश जाने के लिए रवाना हुआ था, ट्रेन पकड़ने वाला था। सीतापुर में इसका बाप रहता है, बीमार है, उसे देखने जा रहा था। पर संधू, हमें उसकी लाश डकेरवाल से मिली जो जलंधर सिटी रेलवे स्टेशन से थोड़ी दूरी पर है। अब ये बंदा जलंधर सिटी रेलवे स्टेशन से ट्रेन पकड़ने के बजाय डकेरवाल क्यों गया हो? हम
हमारे सर आपसे बात करना चाहते हैं। सर राहुल भैया जब घर से निकले थे तब मैं घर पे नहीं था, मैं सुबह ही काम के लिए निकल गया था, पर मुझे ये मालूम है कि उनकी रात की ट्रेन थी। देखो सुनील, तुम्हारे भाई का मर्डर हुआ है, हमें तुमसे और तुम्हारी माँ दोनों से बात करनी है। सर माँ बिल्कुल बात करने की हालत में नहीं है। उनसे हम बाद में बात कर लेंगे, पर फिलहाल हमें तुमसे बात करनी होगी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से राहुल का मर्डर 10 से 12 घंटे पहले हुआ है, मतलब कल शाम 7 और 9 के बीच। राहुल भैया की ट्रेन 9:30 बजे की थी बनारस के लिए। कहाँ से? अपने जलंधर सिटी रेलवे स्टेशन से। लेकिन हमें राहुल की लाश डकिरवाल के खेत में मिली, तो राहुल डकिरवाल क्यों गया होगा? सर ये सब तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन 2 दिन पहले हमारे बाबा का फोन आया था। राहुल मुझे लगता है मैं ज्यादा दिन जी नहीं पाऊंगा बेटा। बाबा ऐसी बातें मत करो आप। मैं तुझे, तेरी माँ को और सुनील को कोई तकलीफ नहीं देना चाहता था, लेकिन अब ये तकलीफ मुझसे सही नहीं जा रही है बेटा। बाबा मैं आ रहा हूँ ना आपके पास, मैं आपका ख्याल रखूंगा और जरूरत पड़ी तो मैं आपको यहाँ लेकर आऊंगा। जल्दी आ जा बेटा। राहुल मैं चली जाती हूँ। नहीं माँ, सुनील को तेरी जरूरत है यहाँ। लेकिन तेरा काम? वो मैं हितेश को समझा दूंगा, वर्कर्स को भी समझा दूंगा, उसकी टेंशन नहीं है। पर अगर बाबा की तबीयत ज्यादा खराब हुई तो उनको सीधे यहीं ले आऊंगा। लेकिन बेटा वो नहीं मानेंगे। तब की तब देखेंगे ना माँ, फिर ऐसा हुआ तो कुछ दिनों के लिए तुम चले जाना। भैया मैं चलूँ क्या आपके साथ? नहीं नहीं, तू क्यों छुट्टी लेगा, काम पे ध्यान दे। मैं जाता हूँ ना बाबा के पास। और पैसे हैं ना आपके पास? मैंने जमा किए थे कुछ 15,000 रुपये, साथ ले जाऊँगा, बाबा को दे दूंगा। राहुल भैया बाबा के पास जाने के लिए निकले थे सर, पापा इंतजार कर रहे होंगे सर। सर यहाँ हमारी माँ बेहाल है। राहुल भैया बहुत अच्छे इंसान थे सर, उनके तो किसी से कोई बैर भी नहीं थी, कभी कुछ नहीं थी सर। मेरे लिए तो वो मतलब हीरो समझिए सर। करते क्या थे तुम्हारे राहुल भैया? फर्नीचर के कॉन्ट्रैक्टर थे। फर्नीचर के कॉन्ट्रैक्टर? अलग अलग शोरूम वगैरह के फर्नीचर के कॉन्ट्रैक्ट उठाते थे और फिर अपने आदमियों के साथ पूरा करते थे। पारितोष ये शनिवार तक रेडी हो जाएगा ना? हाँ राहुल भाई, आज तक कभी ऐसा हुआ है कि ऑर्डर टाइम पे नहीं रेडी हुआ? पारितोष राहुल भैया का दाहिना हाथ था। और हितेश कौन है? दोस्त है राहुल भैया का सर, उनके साथ ही वो काम किया करते थे और उन्हीं ने नहीं सिखाया भी। तुम्हारे राहुल भैया की किसी के साथ कोई दुश्मनी थी, कभी कोई झगड़ा वगड़ा हुआ हो, कुछ बताया था उन्होंने कभी ऐसा? नहीं सर, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ और ना ही उन्होंने कभी बताया मुझे। मुझे पता था कि वो परेशान, कभी बोला नहीं, पर माँ हूँ उसकी। क्या कहा माँ जी, कोई परेशानी थी उसे? कभी बोला तो नहीं, लेकिन लेकिन कुछ लग रहा था आपको? मैं देख सकती थी। तुसी जेड़े नंबर ते कॉल कर रहे हो वो इस वेले स्विच ऑफ है। तुसी जेड़े नंबर ते कॉल कर रहे हो। क्या नाम है लड़की का? कौन सी लड़की माँ? बेटा जन्म दिया है तुझे, पाल पोस के बड़ा किया है, मुझसे कुछ नहीं छुपा सकता तू। कई दिनों से देख रही हूँ, कोई एक खास फोन आता है तो तेरी हंसी, तेरी आवाज, तेरा अंदाज ही बदल जाता है, फिर मैं समझ जाती हूँ सामने कौन है। बस 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 अब रखता हूँ, कल तुम्हें काम पर जल्दी जाना है ना? मैं भी। अरे कहा ना मैं भी। नहीं नहीं अभी नहीं, पहले तुम काम खत्म कर लो फिर मिलना मिलना होगा। माँ अभी आया मैं, 2 मिनट।
हर जगह माँ राहुल भैया मैं ना काम के चक्कर में खाना पीना छोड़ के चले जाते हैं। काम वाम का चक्कर नहीं है ये? मतलब ठीक है बेटा, नाम मत बता। कोई तकलीफ है? झगड़ा हुआ है उससे? नहीं, कभी बोला नहीं, ना लड़की का नाम बोला, तकलीफ बताई। सुनील, तुम्हें कभी राहुल ने इस बारे में कुछ कहा? मेरे साथ सिर्फ काम की ही बात करते थे और कुछ नहीं। हम दोनों कल दिन में ही मिले थे। वो अपने बाबा के पास जा रहा था। बाबा 6 साल से सीतापुर में ही रह रहे हैं, रिटायर्ड ही समझो, काम से ही नहीं शहर से भी। क्या बीमारी उनको? ये तो कभी बताया नहीं उन्होंने, पर हाँ शायद सीतापुर में अकेले रहते हैं तो अपना ख्याल नहीं रख पाते होंगे। इस बार उनको लेकर ही आऊंगा मैं। तो बेफिक्र होके जा, मैं हूँ ना, मैं आके सारे कॉन्ट्रैक्ट संभाल लूंगा। अच्छा, तुम और राहुल मिले कैसे? हम दोनों एक साथ काम किया करते थे। उसको कारपेंटरी का सारा काम मैंने सिखाया था वहाँ। फिर 1 साल बाद उसने नौकरी छोड़ दी। क्यों? साहब उसको कुछ बनना था, कुछ करना था उसको। वो अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहता था, फर्नीचर कॉन्ट्रैक्ट का। उसने बहुत मेहनत की, अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट किया। फिर 1 महीना पहले मैं उससे मिला और उसने मुझे अच्छी तनख्वाह में अपने साथ काम करने के लिए कहा। फिर मैंने भी नौकरी छोड़ दी और उसके साथ काम करना शुरू कर दिया। ये सूरज चौहान कौन है? काम सीखते हुए कुछ ज्यादा कमाई नहीं हो पाएगी तेरी। मंजूर है ना साहब? हितेश सुन, सूरज जी हमारे बॉस थे साहब, जहां हम दोनों काम किया करते थे। अच्छा, हमारे पास एक नंबर है 444567489। इस नंबर से राहुल को शाम को 6:30 बजे कॉल आया था और तकरीबन रात को 9 बजे उसका कत्ल कर दिया गया। पहचानते हो इस नंबर को? साहब मेरी पहचान में तो ये नंबर नहीं है। तुम राहुल को कितनी अच्छी तरह से जानते थे? मतलब सर? मतलब कोई लड़की वड़की का चक्कर या उसकी कोई गर्लफ्रेंड? सर गर्लफ्रेंड तो थी, पर बात कहाँ तक पहुँची थी ये नहीं पता। उसकी गर्लफ्रेंड थी, ये कैसे पता चला? साहब जब हम दोनों सूरज जी के यहाँ काम करते थे, उसको रोज एक लड़की का फोन आता। साढ़े छः बजे राहुल को जो आखिरी कॉल आया था 444567489 से, इसकी डिटेल कब तक आएगी? शाम तक आ जाएगी सर। यही कॉल इस केस की चाबी है। शायद इसी कॉल के बाद राहुल ने अपना प्लान चेंज किया था। प्लान चेंज किया था? मतलब सर? मतलब यही संधू कि जलंधर सिटी रेलवे स्टेशन से ट्रेन लेने की बजाय वो डकिरवाल गांव क्यों गया? अपने बड़े बेटे के आने का इंतजार कर रहा बीमार बालकिशन उसकी मौत की खबर आने से पूरी तरह से टूट गया। एक माँ अपने जिम्मेदार मजबूत सहारे को खोकर शोक में डूब गई। एक भाई अपने पिता समान बड़े भाई को खोकर यतीम महसूस कर रहा था। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि इतने भले आदमी का इतना बेरहम मर्डर क्यों हुआ था। हितेश ने बताया, सच कहूं यकीन ही नहीं होता है कि इतने अच्छा आदमी को कोई क्यों। तुम्हारे यहां से काम छोड़ने के बाद राहुल से बात होती थी तुम्हारी? हाँ सर, मेरा सबसे बढ़िया कारीगर था। आखिरी बार कब बात हुई थी? कल दोपहर में हुई थी सर। किस सिलसिले में? सर एक कारीगर ने बताया कि उसके पिताजी बीमार हैं। अरे वो बाबा की तबीयत जरा खराब है, सीतापुर में है, उन्हीं की देखभाल करने के लिए जा रहा हूँ। आज रात की ट्रेन है। अगर इलाज के लिए पैसे वैसे चाहिए ना तो मांग लेना, झिझकना नहीं। राहुल में एक बात थी, उसके लिए उसकी माँ, उसके पिताजी, उसका भाई सबसे ज्यादा मायने रखते थे। समझ लो कि वो सिर्फ उन्हीं के लिए जीता था। जब वो मेरे पास आया था ना, तब उसे कुछ नहीं आता था। पहले क्या काम करता था राहुल? दिहाड़ी मजदूर था। ये दिहाड़ी मजदूरी मुझे कहीं नहीं ले जाएगी साहब। रोज कुआं खोदो, रोज पानी पियो, इसके आगे कुछ नहीं। मेरे ऊपर मेरे पूरे परिवार की जिम्मेदारी है साहब। देख भाई, काम सीखते हुए कुछ ज्यादा कमाई नहीं हो पाएगी तेरी। मैं महीने के 2500 के ऊपर नहीं दे पाऊंगा। मंजूर है ना साहब, मुझे बस हुनर सीखना है। हितेश सुन। जी सूरज भाई। देखिए राहुल है, ये आज से तेरे साथ काम करेगा, इसे काम सिखाओ। सर सिर्फ 3 महीने में ये ऐसा काम सीख गया था कि पता ही नहीं चलता था कि फर्नीचर हितेश ने बनाया कि राहुल ने। लेकिन फिर भी तुम उसे महीने के सिर्फ 2500 ही देते थे।
सर शुरुआत के 3 महीने 2.5 देता था, तब उसका भाई सुनील घर संभालता था, लेकिन सर 3 महीने के बाद राहुल मेरा सबसे कीमती कारीगर बन गया था, और सर फिर 1 साल के बाद खुद कॉन्ट्रैक्ट उठाने के काबिल बन गया, फिर अपना अलग सा बिजनेस भी शुरू कर दिया उसने। कोई लड़की थी राहुल की लाइफ में? एक लड़की थी जी, सुना है कि मेरे किसी क्लाइंट के ऑफिस में काम करती थी, मतलब मजदूर फुसफुसाते थे। राहुल ने सामने से कभी कुछ बोला नहीं। सर वो नंबर 444567489 जिस नंबर से राहुल को लास्ट कॉल आया था। हो कहाँ तुम, मुझे तुम्हारे घर का भी नहीं पता, कितना ढूंढा मैंने, कितने चक्कर काटे मोहल्ले के। खैर कैसी हो तुम? सर ये नंबर किसी मनवीर वालिया के नाम पर है, जालंधर का एड्रेस है। और अभी वो नंबर स्विच ऑफ है? जी हाँ सर। एड्रेस पे जाके पता करो। मनवीर वालिया का एड्रेस उन्हीं गलियों में कहीं था जहां राहुल किसी को खोज रहा था। जी ये मनवीर वालिया कौन है? मेरे पापा जी है। 444567489 आपका नंबर है? हाँ जी। स्विच ऑफ है? ना मैं ज्यादा इस्तेमाल नहीं करता, वो क्या है ना जी कि फालतू के फोन बहुत ज्यादा आते हैं, इस करके मैं अपना फोन ज्यादातर ऑफ ही रखता हूँ जी। तो फोन रखते क्यों आप? ना फोन मेरा है, मैं जो मर्जी करूँ। वैसे बात क्या है जी? आप थाने चलिए हमारे साथ, वहाँ काफी सीधे सवाल पूछेंगे और आप सीधे जवाब देंगे। सरासर झूठ है ये, 14 जुलाई की शाम को मैंने किसी राहुल माथुर को फोन नहीं किया। ये जो फोन रिकॉर्ड्स है ना जी, ये हम इंसानों की तरह नहीं होते, ये झूठ नहीं बोलते, ये वही बताते हैं जो हुआ है। और हुआ ये है कि 14 जुलाई की शाम को 6:30 बजे आपने राहुल माथुर को फोन किया था। अब आप आगे बताओ क्या हुआ, कहां बुलाया था उसे, कैसे मारा? सर जी कमाल की बात कर रहे हैं आप लोग, मतलब आप खुद सोचिए हम भला किसी को क्यों बुला के मारेंगे। आप लोग पहले ये बताइए, आप लोग राहुल माथुर को जानते हैं क्या? नहीं हम लोग नहीं जानते इसको, झूठ है ये। आप लोग राहुल माथुर को जानते हैं क्या? हम लोग नहीं जानते इसको, झूठ है ये। ये बात झूठ है कि मेरी फैमिली राहुल को नहीं जानती, लेकिन हाँ ये बात बिल्कुल सच है कि मेरी फैमिली कभी राहुल से मिली नहीं है। कोमल इसके अलावा भी कुछ सच है? पापा जी के फोन से मैंने राहुल को फोन किया था। हेलो मैं बोल रही हूँ। हो कहाँ तुम, मुझे तुम्हारे घर का भी नहीं पता, कितना ढूंढा मैंने, कितने चक्कर काटे मोहल्ले के। खैर कैसी हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ राहुल, पापा जी और भैया ने मेरी जॉब छुड़वा दी है। मैंने तुम्हारे ऑफिस में फोन किया था, भैया ने मेरी सैलरी कलेक्ट कर ली और मुझे घर से बाहर जाने ही नहीं दे रहे। फिर हम मिलेंगे कैसे कोमल? मुझे कुछ नहीं पता राहुल, पापा जी अभी वॉक के लिए गए हैं और गलती से फोन यहाँ पे छोड़ दिया, तब जाके मुझे फोन मिला और तुमसे बात कर रही हूँ, मेरा फोन भी छीन लिया राहुल। अच्छा कोमल मैं कुछ दिनों के लिए सीतापुर जा रहा हूँ, बाबा की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई। तुम कब लौटोगे? 2-4 दिन तो लग ही जाएंगे। तुम जैसे ही लौटते हो ना मेरे घर आ जाना तुरंत और मेरा हाथ मांग लेना, मुझे यहाँ से ले चलो राहुल, आई लव यू। मैं भी कोमल। अच्छा तुम्हारे घर का पता तो बताओ। कोमल कहाँ हो तुम? मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। हाँ बाथरूम में हूँ मम्मी जी, आ रही हूँ। तो तुम वो लड़की हो जिसके बारे में राहुल ने अपनी माँ और अपने भाई तक को नहीं बताया? जी सर, मैं मान ही नहीं सकती
कि राहुल राहुल अब है ही नहीं। मैं उसे बहुत प्यार करती थी सर। कब मिले थे तुम दोनों? कैसे मिले थे? 1.5 साल पहले मिले थे। मैडम ये आपके ऑर्डर के सारे चेयर्स और साइड टेबल हैं। चरणजीत साहब को बता दीजिएगा। रुकिए मैं एडमिन में से किसी को बुलाती हूँ। जी। प्यार हो गया हम दोनों के बीच सर, और उसके बाद हम एक दूसरे से मिलने लगे। राहुल जब काम से फ्री होता तब मिलते, थोड़ी देर के लिए। राहुल को जिंदगी में बहुत आगे बढ़ना था और मुझे उसकी ये बात बहुत पसंद आती थी। कोमल, मैं खुद का बिजनेस शुरू करने की सोच रहा हूँ, कुछ क्लाइंट्स भी हैं मेरे पास। अब तुम खुद फर्नीचर के कॉन्ट्रैक्ट लोगे? हाँ ऐसा ही कुछ, पर मुझे पहले से 6 गुना ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, अलग अलग किस्म के काम करने होंगे। तुम कर लोगे, आराम से कर लोगे, मुझे तुम पे पूरा भरोसा है, तुम खूब तरक्की करोगे। और जिस भी दिन मुझे लगने लगेगा ना कि मैं माँ बाबा सुनील सबका ख्याल अच्छे से रख पा रहा हूँ, हम लोग अपनी नई जिंदगी शुरू कर सकते हैं, उसी दिन मैं तुम्हारे घर आऊंगा और तुम्हारे घर वालों से तुम्हारा हाथ मांगूंगा। मुझे उस दिन का इंतजार रहेगा राहुल। पर इससे पहले कि राहुल हमारे घर आता, मंजीत भैया हमारे बीच आ गए। माँ और सुनील तो इतने खुश हैं मेरे पहले कॉन्ट्रैक्ट की पेमेंट से। मैं भी राहुल, मैं भी बहुत खुश हूँ। आज अपने होटल से खाना मंगवाया है। काश मैं भी वहाँ पे होती। काश मैं अभी तुम्हारे घर आ पाता, तुम्हें वहाँ से सीधे लेकर यहाँ आ जाता मेरे घर, माँ से मिलवाता और बताता उन्हें कि कौन हो तुम मेरे लिए। काश ये दिन जल्दी आ जाता राहुल, पापा जी और भैया मेरे लिए लड़के देख रहे हैं, तुम जल्द से जल्द आ जाओ। किससे बात कर रही है? हेलो। हेलो कोमल, कौन बोल रहा है? तू कौन बोल रहा है बे? ये बता। भैया फ्रेंड है, आप मेरा फोन ऐसे नहीं छीन सकते। उस तरफ लड़का था। तो लड़का फ्रेंड नहीं हो सकता? ऐसा कैसा फ्रेंड हो गया जिसको तू ये कह रही है कि पापा जी और भैया तेरे लड़का देख रहे हैं, तुम जल्दी आ जाओ। कौन है? बॉयफ्रेंड है? हाँ बॉयफ्रेंड है, इसका नाम राहुल है। राहुल कौन है? मैंने बताया ना, मेरा बॉयफ्रेंड है और उसका खुद का बिजनेस है, और वो यहाँ पे जल्द से जल्द आएगा मेरा हाथ मांगने के लिए। मम्मी जी। क्या मम्मी जी, इस तरह मेरी तरफ देखने में शर्म नहीं आ रही तुझे? काम करने के लिए भेजा था ना, और ये कर रही है? अब राहुल हमारे घर कभी नहीं आएगा, मेरा हाथ कभी नहीं मांगेगा। हाँ जी वालिया साहब, खुद मारा था या सुपारी दी थी? सर जी आपकी मर्जी में जो आया आप वो कर लो, मार लो पीट लो या फिर जो आप बोल रहे थे हड्डियां तोड़ दो जी हमारी। देखो सर जी, हमने आपको जितनी भी बातें बताई हैं ना एकदम सच है। ये बात ठीक है कि मैंने कोमल को फोन पे बात करते हुए सुन लिया था और हम इस रिश्ते के खिलाफ थे, लेकिन यकीन मानिए हम उस बंदे से आज तक मिले तक नहीं है। फोन को लेके बड़ा बवाल मचा रही थी सर जी, जिद पे अड़ी हुई थी कि ब्याह करेगी तो बस इसी मुंडे के साथ। सर जी हमने खुद उसकी नौकरी छुड़वाई। सर जी मोटा मोटी आप ये समझ लो कि ना तो हमने इस लड़के को मरवाया है और ना ही मारा है। जो लड़का मारा गया ना उसके ऊपर 3-3 लोगों की जिम्मेदारी थी। सिर्फ 25 साल की उम्र में उसने अच्छी खासी तरक्की हासिल की थी, एक नया हुनर सीख के मेहनत करके। गलती क्या थी उसकी कि आपकी बेटी से प्यार करता था? और छोड़ो जी सर ये सब बातें, हम नहीं मानते इस प्यार व्यार को, रोक के रखा था हमने अपनी बेटी को, और ये कोई जुर्म नहीं है सर जी। सर जी अगर वो अच्छा बंदा था ना तो दुख है हमें इस बात का, खेद है हमें इस बात का कि वो इतनी कम उम्र में मारा गया, लेकिन यकीन मानिए हमारा इस बात से कोई लेना देना नहीं है। हमने अपनी बच्ची को काबू में रखा था सिर्फ इसलिए कि सामने वाले को मौका ना मिले उसे बेकाबू करने। हमारा इस राहुल नाम के बंदे से कोई वास्ता नहीं है, हमने मारा ही नहीं इस लड़के को। मैंने मन में ही राहुल को अपना जीवन साथी मान लिया था,
मेरा पति, मेरा दोस्त, मेरा सब कुछ। लेकिन अभी ऐसा नहीं हो सकता, राहुल ही नहीं है। तुम्हें तुम्हारे पापा जी और भाई के बारे में कुछ मालूम है? कुछ पता है तुम्हें? तुमने कभी कुछ देखा हो या सुना हो? यही बताने के लिए मैं यहाँ पे आई हूँ। मेरे पापा जी और मेरे भैया ने मेरे साथ बहुत ही बुरा बर्ताव किया है, बहुत ही सख्त है मेरे साथ। मेरा फोन छीना, जॉब छुड़वा दी, लेकिन उन्होंने कभी भी राहुल के बारे में कुछ नहीं पूछा। ये नहीं पूछा कि राहुल का एड्रेस दे दो या फोन नंबर या कुछ भी। मेरे राहुल को किसी और ने मारा है सर। तुम्हारे राहुल को किसने मारा है? मुझे नहीं पता सर, लेकिन मैं इतना जरूर जानती हूँ कि पापा जी और भैया ऐसा नहीं कर सकते। फोन रिकॉर्ड्स और फोन लोकेशन से ऐसा कुछ भी सामने नहीं आया जो कोमल के पिता और भाई को शक के दायरे में ले आए। शक की सुई अब कोमल के भाई से खुद राहुल के भाई पर जा टिकी, पर उसके खिलाफ भी पुलिस को कुछ नहीं मिल सका। हितेश, जिसने हाल ही में राहुल के साथ काम करना शुरू किया था, वो भी शक के दायरे से बाहर पाया गया जब उसके सारे रिकॉर्ड्स क्लीन आए। ऐसा लग रहा था कि राहुल का मर्डर केस अनसुलझा रह जाएगा। केस की फाइल धीरे धीरे धूल चाटने लगी। इस केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहे पुलिस ऑफिसर्स रूटीन ट्रांसफर्स पर दूसरे थानों में पोस्टिंग पर चले गए। पूरे केस पेपर पढ़ दिए नरेश? जी सर। विक्टिम राहुल माथुर के भाई सुनील माथुर का, माँ कौशल्या का और हितेश चौबे का, जिसे विक्टिम ने एक महीने पहले ही काम पे रखा था। और वो जो लड़की इन्वॉल्व थी वो? कोमल सर, विक्टिम की गर्लफ्रेंड, उसका स्टेटमेंट भी पढ़ा। उसके पिता मनवीर का और भाई मंजीत का, सबके स्टेटमेंट पढ़े सर। इन्वेस्टिगेशन में कोई गैप्स? नहीं सर, सब कुछ बाय द बुक ही हुआ। सबके कॉल रिकॉर्ड्स निकाले गए, इंटरोगेशन हुई और सबके पीछे खबरें लगाए गए, सब क्लीन सर। पर मर्डर तो हुआ नरेश, अब किसी ने किया है या करवाया है ये हमें पता नहीं। राहुल ने सुसाइड किया हुआ क्या? सुसाइड ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है सर। राहुल अपने करियर में आगे जा रहा था। जिन लोगों के स्टेटमेंट रिकॉर्ड में है उनके मुताबिक राहुल एक जिम्मेदार और एम्बिशियस किस्म का बंदा था, सेल्फ मेड मैन। और वैसे भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट सुसाइड को रूल आउट कर चुकी है, ऐसे में वो सुसाइड क्यों करेगा? सुसाइड वाला एंगल हम इजीली रूल आउट कर सकते हैं। पॉइंट है, लेकिन स्टेटमेंट से यह भी पता चलता है कि राहुल हताश होकर अपनी गर्लफ्रेंड का घर ढूंढ रहा था, भटक रहा था गलियों में। हाँ सर, उसने कोमल को बताया था कि वो उसे ढूंढ रहा था और उसे एड्रेस नहीं मिला। राहुल का छोटा भाई क्या नाम है उसका? सुनील। सुनील राहुल से कम सक्सेसफुल है। राहुल की मौत से सुनील को कुछ फायदा हुआ है क्या? सर ये गरीब परिवार है, राहुल ही था जो हाथ पैर मार के कुछ कर रहा था और उसने कोई पूंजी प्रॉपर्टी नहीं बनाई थी जिससे सुनील को कोई फायदा पहुंचे। नरेश, ये रॉबरी कम मर्डर का केस लगता है। राहुल अपने पिता के इलाज के लिए 15,000 रुपये कैश लेकर जा रहा था। हाँ सर, सुनील ने अपने बयान में यही कहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि 15,000 रुपये और एक मोबाइल के लालच में किसी ने राहुल का मर्डर कर दिया हो? लेकिन सर, पहली इन्वेस्टिगेशन टीम को सवाल का जवाब नहीं मिला कि राहुल जैसे जलंधर सिटी से ट्रेन पकड़नी थी वो डकीरवाल गांव कैसे पहुंचा जो जलंधर सिटी रेलवे स्टेशन से थोड़ा दूर है। राहुल की मौत से किसी न किसी को फायदा तो जरूर हुआ होगा। पारितोष, हो जाएगा ना टाइम पर? कल का दूसरा बड़ा ऑर्डर आ रहा है। हितेश भाई, आज का तो हो जाएगा लेकिन कल से बड़ा मुश्किल होने वाला है। क्यों? वो दो कारीगर गाँव जा रहे हैं और हमें और चार चाहिए थे। सूरज भाई के यहाँ से ले तो सकते हैं किसी को, पर बेकार में खफा हो जाएंगे। यार पारितोष, कारीगर का तू देख ले। ठीक है हितेश भाई, मैं देखता हूँ। हाँ सर, काम तो दिन रात चल रहा है, पर बात क्या है? यही तो बात है, काम दिन रात चल रहा है तो पैसे भी दिन रात बन रहे हैं। राहुल के सारे क्लाइंट तुम्हारे जो हो गए थे, क्लाइंट तुम्हारे तो सारा मुनाफा भी तुम्हारा। सर सारा मुनाफा मेरा नहीं है, उसका एक हिस्सा राहुल के परिवार को भी जाता है और मैंने तो सुनील से भी कहा पार्टनर बनने के लिए। बहुत बड़ा दिल है तुम्हारा हितेश, और उससे बड़ा दिमाग। बड़े भाई को मार डालो, छोटे भाई को पार्टनर बना लो। क्या
क्या मतलब है आपका? राहुल से उसकी जिंदगी छीनकर तुमने अपनी जिंदगी कहां से कहां पहुंचा ली? सर ये बहुत गलत बोल रहे हैं आप। वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त था और उसे कारीगरी का काम मैंने सिखाया था। लेकिन चेला गुरु से बहुत आगे निकल गया था। सर ऐसा है कि मैं औजार अच्छा चलाता हूँ और वो जबान अच्छी चलाता था। उसे क्लाइंट बनाने और पकड़े रखने की तमीज़ थी जो मुझ में थोड़ी सी कम है, इसलिए मैंने उसके नीचे काम करना कबूल किया। और एक ही महीने के अंदर उसे मार डाला। सर मैं भला उसे क्यों मारूंगा, मुझे क्या मिलता? वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त था और मुझे सूरज जी से ज़्यादा तनख्वाह देता था। मैं उसके साथ बहुत खुश था सर। और वैसे भी राहुल के जाने के बाद दुख तो अलग, मेरा फायदे से ज़्यादा नुकसान ही हुआ है। सर नरेश पिछली टीम ने लव का एंगल टटोला, चोरी का एंगल टटोला, भाई का एंगल टटोला, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। राइट सर। पर एक एंगल उनसे छूट गया। ऐसा होता है इन्वेस्टिगेशन में, भले सभी एंगल्स की तहकीकात शुरू होती है लेकिन कुछ एंगल्स या पहलू या कोई संदिग्ध कम इंपॉर्टेंट नजर आते हैं और पुलिस की पेचीदा नजरों से फिसल जाते हैं, शक के दायरे से निकल जाते हैं। तारीख है 14 जुलाई 2016। मुझे इस फोन की एग्जैक्ट लोकेशन चाहिए, जल्दी। सर अब केस क्लियर है, ये चोरी और हत्या का अनसुलझा केस नहीं, बस अब सच को बाहर निकालो। उसे अंदर ले आते, सच अपने आप बाहर आ जाए। जाओ शुरू। सर आपके पहले जो इंस्पेक्टर थे उन्हें मैंने सब कुछ बता दिया था, राहुल माथुर के बारे में मैं जो कुछ जानता था। तुमने बताया था कि 14 जुलाई को 3:30 बजे तुमने राहुल माथुर को फोन किया था उसके पापा का हालचाल जानने के लिए। जी हाँ सर। लेकिन तुमने ये नहीं बताया था ये। ये रही तुम्हारे फोन की लोकेशन रिपोर्ट। क्या समझा तुमने हमें? तुम्हारे फोन की लोकेशन रिपोर्ट राहुल माथुर के फोन की लोकेशन रिपोर्ट से मैच करती है। ये उस दिन तुम्हारा फोन लघु नगर में था, जिस मोहल्ले में राहुल माथुर का घर, और उसके बाद पूरे रास्ते तुम्हारे फोन की लोकेशन राहुल माथुर के फोन की लोकेशन से मैच करती है जब तक तुम लोग डकिरवाल गांव नहीं पहुंचाते। उसके बाद 9:30 बजे राहुल माथुर का फोन स्विच ऑफ हो जाता है हमेशा के लिए, लेकिन तुम्हारा फोन कुछ देर तक वहीं मंडराता रहता है। फिर तुम्हारा फोन अकेले जलंधर वापस आ जाता है। अरे वो बाबा की तबीयत जरा खराब है, सीतापुर में है, उन्हीं की देखभाल करने के लिए जा रहा हूँ। आज रात की ट्रेन है। अरे रात की ट्रेन है ना, तो अभी मिलते हैं 5 मिनट के लिए। कुछ बात है क्या? थोड़ा परेशान हूँ इस वक्त। अरे यार मेरे पास ना कुछ ज्यादा काम आ गया है, सोच रहा हूँ थोड़ा तू ले ले। देख कुछ अरेंजमेंट कर लेते हैं यार। हाँ वैसे भी अभी मैं तेरे मोहल्ले में हूँ, मिल ले 5 मिनट के लिए। मुझे पहले मालूम नहीं था कि वो सीतापुर जा रहा है। लेकिन तुमने उसे कहाँ भेजना था ये तुमने पहले से तय कर लिया था, नहीं? देख मेरे पास कुछ 10 ऑर्डर है पर मुझसे होने नहीं वाले, पर जाने तो मैं एक भी नहीं दूंगा। तू बोल तू कितना कर सकेगा? इस वक्त तो मेरे खुद के ऑर्डर भी हितेश ही संभाल रहा है, मैं कैसे आपसे, और वैसे भी मैं सीतापुर से लौटने के बाद ही काम के बारे में कुछ बता पाऊंगा। हेलो। हेलो मैं बोल रही हूँ। कोमल कहाँ हो तुम? सूरज भाई मुझे नहीं लगता है मैं 9:30 तक जलंधर सिटी रेलवे स्टेशन पहुँच कर मेरी ट्रेन ले पाऊंगा, यही डकिरवाल से लेता हूँ ना। तुझे मुझ पे भरोसा नहीं है? देख मैं तुझे पहुँचा के रहूँगा, बैठ। मेरी बिल्ली मुझसे म्याओ, मैं तुझे ट्रेन पे चढ़वा के रहूँगा, बैठ। घर जाना ज़रूरी है। अरे हाँ बैठ, अरे 2 मिनट में पहुँचेंगे। हाँ।
सूरज भाई यहाँ कहाँ? अरे बस दो मिनट, क्या है टैंक फुल है, थोड़ा हल्का हो लेता हूँ। नौ बीस हो गए, अब नहीं पहुंच पाएंगे सूरज भाई। दो मिनट, बस दो मिनट। अब तो नहीं पहुंच पाएंगे। तू तो जरूर पहुंचेगा राहुल। तुम्हें उससे जलन हो रही थी सूरज, उसे क्लाइंट पर क्लाइंट जो मिल रहे थे। मेरे क्लाइंट सर, सारे के सारे मेरे क्लाइंट। साले की उंगली पकड़कर उसे काम सिखाया और उसने एक साल के अंदर खुद का बिजनेस शुरू कर दिया। गुनाह है हा? खुद का बिजनेस शुरू करना गुनाह है? क्लाइंट चुराना गुनाह है, कारीगर चुराना गुनाह है सर। उसने तो हितेश को भी मुझसे छीन लिया। हितेश जैसा कारीगर पूरे जलंधर में नहीं मिलेगा, पर उसे दुगनी तनखा का लालच दिया, छीन लिया। इसलिए तुमने राहुल को जान से मार डाला? और कोई चारा भी तो नहीं था मेरे पास। क्या करता मैं, उसके सामने हाथ जोड़कर भीख मांगता कि राहुल मेरे क्लाइंट लौटा दे, राहुल हितेश को वापस छोड़, राहुल मेरे कारीगर मुझसे मत छीन। क्या करता मैं? हर फील्ड में, हर बिजनेस में कॉम्पिटिशन होता है सूरज। बिजनेस में सफाया भी तो होता है सर। बड़ी बड़ी कंपनियां छोटी कंपनी को खत्म कर देती है। मेरा तो एक छोटा सा बिजनेस है। राहुल बड़ा बिजनेसमैन था? अरे वो भी तो एक छोटा सा फर्नीचर का कॉन्ट्रैक्टर था तुम्हारी तरह। वो मेरी तरह कभी हो ही नहीं सकता था। पैरों की जूती को कोई सर पर नहीं रखता है इंस्पेक्टर साहब। नरेश, सूरज एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं तुम्हें। एक बार बादशाह अकबर ने एक लकीर खींची ऐसे, और बीरबल से कहा कि बीरबल इसे बिना मिटाए छोटी बना दो। तो पता है बीरबल ने क्या किया? बीरबल ने उसके पास एक और लकीर खींची ऐसे, बिना मिटाए। सॉरी बहन, हो सके तो मुझे माफ कर दिया। राहुल तो उस सूरज को अपना गुरु मानता था ना। गुरु कभी चेले से जलता है क्या? बिजनेस में एम्बिशियस होना, अवसर का लाभ उठाना कोई गुनाह नहीं है। बेहतर तनख्वाह के लिए कोई नौकरी छोड़कर दूसरी पकड़ लेना पहली कंपनी के साथ बेवफाई नहीं है। लेकिन काम के क्षेत्र में नैतिकता की परिभाषा हर दूसरे इंसान के लिए अलग होती है। हम सब जीवन में तरक्की करना चाहते हैं, ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं। हम सब ने अपना एक सही और गलत का स्टैंडर्ड बनाकर रखा है जो समय और अनुभव के साथ बदलता भी रहता है। इस क्षेत्र में एकाग्रता, इंटेग्रिटी वो है जो इंसान खुद पालता है, ना कि वो जिसकी उम्मीद वो दूसरों से करता है। लेकिन कंपटीशन मिटाने के लिए, बिजनेस में हुए लॉस का बदला लेने के लिए किसी की हत्या करना, ये कदम वो लकीर पार करता है जहां गुनहगार को सजा उसका जमीर नहीं बल्कि इस देश का कानून देता है और कड़ी से कड़ी सजा देता है। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक सुरक्षित रहें, सतर्क रहकर एक अच्छे नागरिक का फर्ज अदा करें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।